गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, बेनिफिशियली वीडियो होगा, क्योंकि आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम आपको टेप रिकॉर्डर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि टेप रिकॉर्डर किस प्रकार कार्य करता है। वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक है, इसे लास्ट तक प्लीज देखिएगा। तो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेप रिकॉर्डर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग अपने आवाज को कैसेट में रिकॉर्ड कर रख भी सकते हैं और रिकॉर्ड आवाज को जब चाहे उसे सुन भी सकते हैं। तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं टेप रिकॉर्डर एंड प्लेयर। टेप रिकॉर्डर एंड प्लेयर में दो पोजीशन होता है। पहला पोजीशन जो है वो प्ले का पोजीशन होता है, अर्थात जो कैसेट में हम रिकॉर्ड किए हुए आवाज को उसको हम लोग सुनते हैं। और जो दूसरा जो सिस्टम होता है उसमें माइक के आगे अगर हम लोग अपने आवाज को, अपने साउंड को माइक के सामने बोले तो वो माइक से प्राप्त होने वाले सिग्नल को हम लोग कैसेट पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है अभी जो आपको हम सर्किट से को बतलाने जा रहे हैं, ये सर्किट जो है वो मोनो टेप रिकॉर्डर का सर्किट है, क्योंकि इसके बाद की क्लास में हम लोग स्टीरियो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि स्टीरियो सिस्टम है क्या, ये किस प्रकार कार्य करता है। लेकिन स्टीरियो सिस्टम को समझने से पहले हमको मोनो सिस्टम के बारे में समझना आवश्यक है। इसमें हम लोग प्री एम्पलीफायर में दो या दो से अधिक ट्रांजिस्टर भी लगाते हैं, लेकिन इस सर्किट्स में प्री एम्पलीफायर में एक ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। पावर एम्पलीफायर के रूप में हम लोग इसमें IC 810 का यूज किए हुए हैं। अलग अलग सर्किट्स में अलग अलग ICs का भी यूज होता है या ट्रांजिस्टर का भी यूज होता है। इस सर्किट्स में एक हम लोग स्विच का यूज करते हैं जिसको RT स्विच कहते हैं, RP स्विच कहते हैं, या RP स्विच जो होता है वो उसमें 8 2-way स्विच एक साथ कनेक्ट होता है, जिसमें एक लीवर होता है जिस लीवर को दबाने के बाद सारे 2-way स्विच का पोजीशन जो है वो एक साथ चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली अवस्था में 2-way स्विच का जो रास्ता होता है वो प्ले पोजीशन से जुटा होता है, एक नंबर को P कॉमन और रिकॉर्डिंग। इसी तरह से हम लोग तीन तीन का ग्रुप बनाकर कर करके इसमें कनेक्शन करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि RP हेड, चूंकि इस हेड का एक खासियत होता है कि आवाज को प्ले करने के लिए हमको अलग हेड का जरूरत पड़ता है और आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए अलग हेड का यूज करना पड़ता है। तो आवाज को जो रिकॉर्ड करता है उसको रिकॉर्डिंग हेड और जो प्ले करता है उसको प्ले हेड कहा जाता है। लेकिन एक ही सिस्टम में दो हेड लगाना थोड़ा काफी कठिन काम होता है, इसलिए हम लोग केवल उसके कनेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो एक ही हेड प्ले का भी काम करता है और रिकॉर्डिंग का भी काम करता है। तो RT स्विच का RT हेड का मतलब हो गया रिकॉर्ड प्ले हेड। रिकॉर्ड प्ले हेड में हम लोग देख रहे हैं कि RT स्विच का एक सिरा एक नंबर 3 पर और दूसरा सिरा हम लोग का 3 और 4 पर है, और कॉमन सिरा जो होता है इसका अर्थ होता है। तो प्ले पोजीशन में सभी स्विच का कॉमन P से जुटा हुआ रहेगा। इसी तरह से सभी का कॉमन P से जुटा हुआ रहता है। अब जब ये प्ले में हम देख रहे हैं कि ये P एक सिरा जो है इस तरह से होकर के अर्थ हो गया, दूसरा सिरा जो है ये इस तरह से RT के जंक्शन पर जाता है और इसके कॉमन से ये निकलकर इस कैपेसिटर पर जाता है। यहाँ पर कैपेसिटर कपलिंग का कार्य करता है, अर्थात सिग्नल को तो वो पास करेगा लेकिन सप्लाई को वो पास नहीं करता, क्योंकि सप्लाई जो हम लोग देते हैं वो DC सप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो सिग्नल आया ये सिग्नल को ये कैपेसिटर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के बेस पर दिया गया है, प्री एम्पलीफायर के बेस पर सिग्नल पहुंच गया। अब हम लोग प्री एम्पलीफायर क्या करेगा, ये ट्रांजिस्टर उसको शक्तिशाली करेगा। हम लोग अगले स्टेप पे देखेंगे कि किसको कैसे सप्लाई दिया गया है। अभी केवल सिग्नल का रास्ता को हम लोग देखते हैं
कैसे सिग्नल निकलता है और कैसे किस जगह पर सिग्नल पहुंचता है। तो यहाँ पर बेस पर हम लोग मान लिए कि इस तरह का सिग्नल दिए, कमजोर सिग्नल है, बेस से जो मिला सिग्नल वो कमजोर सिग्नल है, और ये सिग्नल को ये शक्तिशाली करके कलेक्टर पर देता है। कलेक्टर से जो सिग्नल शक्तिशाली होकर करके मिला, उस सिग्नल को फिर कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा हम लोग इस स्विच पे दिए और इस स्विच के द्वारा वो चला गया वॉल्यूम कंट्रोल के किनारे वाले सिरे पर। साथ ही साथ कहा जा रहा है वो एक टोन कंट्रोल पर कैपेसिटर लगकर करके एक टोन कंट्रोल पर जा रहा है। तो टोन कंट्रोल क्या करता है कि आवाज को थोड़ा पतला और मोटा अगर हम करना चाहते हैं तो उसी की सहायता से हम लोग करते हैं। तो टोन कंट्रोल को चेंज जब करते हैं तो इस कैपेसिटर से होता हुआ वो सिग्नल कुछ ग्राउंड हो जाता है, जिसके कारण हमको आवाज पतला और मोटा होता है। वॉल्यूम कंट्रोल पर जो किनारे वाले सिरे पर आया, वॉल्यूम कंट्रोल के बीच वाले से वो सिग्नल निकल कर करके इस स्विच पर गया 13 नंबर पर, और 13 का संपर्क चूंकि अभी सभी का कॉमन जो है वो प्ले से जुटा हुआ है, इसलिए 13 का संपर्क 14 से है और 14 पर एक कैपेसिटर के द्वारा हम लोग आईसी जो आउटपुट एम्पलीफायर में प्रयोग किए हुए है उसके इनपुट पर यानी 8 नंबर पिन पर चला जाता है। आईसी के अंदर जो हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो आईसी के अंदर ड्राइवर एम्पलीफायर, आउटपुट एम्पलीफायर, ये सारा स्टेज एक ही आईसी के अंदर मिलता है। ये आईसी जो है उसको शक्तिशाली कर करके 12 नंबर पिन पर देता है। आईसी का एक 8 नंबर पिन क्या है, इनपुट पिन है। जो भी कमजोर सिग्नल हमको देना होगा उसको कहां देंगे, 8 नंबर पर देंगे। और आईसी 810 जो सिग्नल को शक्तिशाली बनाता है उस सिग्नल को हम लोग आईसी के 12 नंबर पिन से प्राप्त करते हैं, जिसे कैपेसिटर से होता हुआ इस स्विच के कॉमन पे दिए। ये स्विच का कॉमन भी अभी पहले से जुटा हुआ रहेगा यानी 22 नंबर से जुटा हुआ है जो प्ले पोजीशन का स्विच है, और यहां से ये ऐसे होता हुआ ईयरफोन सॉकेट से होता हुआ लाउड स्पीकर पर चला जाता है। लाउड स्पीकर से आवाज हम लोग को मिल जाता है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको टेप रिकॉर्डर में लगा हुआ आवाज जो कि पूरे रूम में सुनाई देगा, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको पूरे रूम में नहीं सुनाई देना है, हम केवल अपने स्वयं सुने, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सॉकेट में जैसे ही ईयरफोन का पिन इन करेंगे इसका कनेक्शन जो होता है इससे अलग हो जाएगा और ईयरफोन से वो स्पीकर पर सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा और ईयरफोन पर वो सिग्नल चला जाएगा और ईयरफोन से हम लोग उस आवाज को सुन लेते हैं। तो इस अवस्था में सभी एक स्विच जो आरपी स्विच है सभी में कॉमन प्ले कॉमन रिकॉर्डिंग, 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 इसी तरह से आरपी स्विच हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देख लिए कि प्ले पोजीशन में किस तरह से हम लोग का सिग्नल कैसेट में जो आवाज रिकॉर्ड है हम लोग का वो आरपी हेड से मिला, आरपी हेड से प्री एम्पलीफायर के बेस पर गया, प्री एम्पलीफायर से वो सिग्नल वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा नियंत्रित होकर आईसी 810 में गया और आईसी 810 से हम लोग क्या करते हैं उस सिग्नल को शक्तिशाली बनाकर स्पीकर पर या ईयरफोन से सुन लेते हैं। अब हम लोग सपोज दैट मानते हैं कि इस स्विच हमको आवाज को रिकॉर्ड करना है। जब हमको आवाज रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग बटन को दबाएंगे। जैसे ही रिकॉर्डिंग बटन दबाएंगे इस आरपी स्विच का जो लीवर होता है वह उससे जुटा हुआ होता है, लीवर एक साथ ऑन होता है जिसके कारण सभी स्विच का कॉमन जो है प्ले पोजीशन से अपना पोजीशन चेंज कर रिकॉर्डिंग पोजीशन से जुट जाता है। जैसे पहले ये वाला पिन इसके साथ जुटा हुआ था, अब ये वाला पिन इसके साथ जुट जाएगा, उसी प्रकार ये वाला पिन इसके साथ जुट जाएगा, ये वाला 23 नंबर अब 24 नंबर से जुट जाएगा, इसी तरह सबसे आपस में चेंज हो जाएगा। अब जब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो कि पहले हम लोग देखे थे प्ले अवस्था में आरपी हेड का ये सिरा जो था वो हम लोग का अर्थ हो रहा था, लेकिन अब रिकॉर्डिंग पोजीशन में आरपी हेड का ये सिरा हम लोग का रिकॉर्डिंग अर्थ हो रहा है, दूसरा सिरा हम लोग का अर्थ हो रहा है, पहला सिरा अर्थ से कनेक्शन उसका हट गया, अर्थात आरपी हेड का क्वाइल का कनेक्शन जो है वह चेंज हो गया। अब हम लोग माइक के आगे जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो इस सॉकेट से होता हुआ इस कैपेसिटर के द्वारा 6 नंबर पर आया,
छह नंबर रिकॉर्डिंग पिन है, क्योंकि प्ले कॉमन रिकॉर्डिंग, प्ले कॉमन रिकॉर्डिंग। और ये रिकॉर्डिंग वाला पिन पर जैसे ही आया तो रिकॉर्डिंग का कनेक्शन पांच नंबर से, और पांच नंबर से ये निकल कर आ गया आपको प्री एम्पलीफायर के बेस पर। प्री एम्पलीफायर क्या करेगा, उस माइक के सिग्नल को शक्तिशाली करेगा। तो रिकॉर्डिंग अवस्था में हम लोग देख रहे हैं कि प्री एम्पलीफायर से जो सिग्नल एम्पलीफाई होकर करके मिलता है वो आ गया 11 नंबर पर। 11 का कनेक्शन अब भी 12 नंबर से है, और 12 नंबर पर का कनेक्शन से एक 12 नंबर पिन से एक रेसिस्टेंस के द्वारा 15 नंबर पे कनेक्शन है, और 15 नंबर का कनेक्शन अभी 14 नंबर से रहेगा, जिसके कारण ये सिग्नल आपको आईसी के इनपुट में चला जाएगा। इस अवस्था में, रिकॉर्डिंग की अवस्था में, वॉल्यूम कंट्रोल और टोन कंट्रोल कार्य नहीं करता है। इसमें सिग्नल जो है वो डायरेक्ट प्री एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होकर कर करके पावर एम्पलीफायर के इनपुट में जाता है। पावर एम्पलीफायर इसको शक्तिशाली बनाता है और आउटपुट पर देता है। ये सिग्नल 23 का कनेक्शन 24 से हो गया है, और 24 से वो सिग्नल एक इस तरह से होता हुआ पुनः फीडबैक में चला जाता है। 23 का जो कनेक्शन है वह आपको 23 से एक हाई वैल्यू के रेसिस्टेंस के द्वारा ऑक्सीलेटर कॉइल पर जाता है, और यहीं से ये सिग्नल आ गया आपको आरटी हेड पर। तो इस अवस्था में हम लोग देखें कि माइक से जो सिग्नल हम लोग बोलते हैं माइक के आगे, वो सिग्नल शक्ति प्री एम्पलीफायर को जाता है, और प्री एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर डायरेक्ट पावर एम्पलीफायर में देता है। पावर एम्पलीफायर से वो सिग्नल शक्तिशाली होकर जो निकलता है वो सिग्नल हम लोग के आरटी हेड पर चला आ रहा है, और आरटी हेड में उस सिग्नल के अनुसार मैग्नेट उत्पन्न होगा, और वह मैग्नेट के कारण हम लोग का जो मैग्नेटिक रील होता है कैसेट में वो व्यवस्थित हो जाता है, और हम लोग का आवाज उसमें सुरक्षित हो जाता है। इस स्थिति में ये ऑक्सीलेटर क्वाइल सर्किट भी कार्य करता है, क्योंकि इसी से इरेज हेड है, और इरेज हेड जो होता है वो आरपी हेड के जस्ट पहले लगा हुआ रहता है, जिससे अगर वो कैसेट पर पहले से कोई आवाज रिकॉर्ड है तो वो उस आवाज को साफ कर देता है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवाज को साफ नहीं करता है, बल्कि ये जो मैग्नेट होता है उस मैग्नेट के अनुसार उस पर एक रील का जो मैग्नेट होता है वो चेंज हो जाता है, और वो जो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग देखे थे इरेज हेड में, हम लोग देखे थे कि इरेज हेड दो तरह का होता है, एसी और डीसी। तो डीसी में तो डायरेक्ट सप्लाई दे दिया जाता था, और सबसे पहले क्या किया जाता था कि इसमें परमानेंट चुंबक ही रख दिया जाता था, लेकिन परमानेंट चुंबक रखने से काफी ज्यादा परेशानी होता था, इसलिए वहां पर डीसी इरेज हेड का उपयोग किया गया, और डीसी इरेज हेड के जगह पर आज के डेट में हम लोग एसी सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है इसके द्वारा यहाँ पर ऑक्सीलेशन का क्रिया होता है और हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होता है, और उस हाई फ्रीक्वेंसी को इरेज हेड पर देते हैं, जिसके कारण इरेज हेड जो है वह रील को मैग्नेट को एक अपने अनुसार व्यवस्थित कर देता है, और वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है जिसके कारण हम लोग सुन नहीं पाते। तो इस अवस्था में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्ले पोजीशन में सिग्नल आगे बढ़ रहा है, वो शक्तिशाली हो रहा है, रिकॉर्डिंग अवस्था में कैसे कैसे वो कार्य कर रहा है। अब यहाँ देखिए, ये माइक सॉकेट है और ऑक्सिलरी माइक है। ये माइक सॉकेट्स जो है वो बाहरी माइक से, जैसे हम चाहते हैं कि नहीं, टेप का जो माइक होता है वो उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, साथ ही साथ क्या होता है कि टेप के माइक में अगर हम लोग आवाज रिकॉर्ड करते हैं तो वो माइक जो है वो चारों तरफ के आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, सेट हम कहीं दूसरे जगह रखें और माइक कहीं दूसरे जगह रखें, इसके लिए हम लोग ऑक्सिलरी माइक और एक्स्ट्रा माइक सॉकेट का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग जैक पिन जैसे ही डालते हैं वैसे ही ये अंदरूनी माइक का कनेक्शन हम लोग का डिस्कनेक्ट हो जाता है, अब वो कार्य नहीं करता है, और बाहरी माइक से जो सिग्नल हम लोग वो आ रहा है वो सिग्नल अब यहाँ पर हम लोग को प्री एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर में जाता है और आरपी हेड पर पहुंचता है, जिसके कारण हम लोग का आवाज रिकॉर्ड होता है। इसमें देखिए एक मॉनिटर स्विच है, स्विच के द्वारा हम लोग ये देखते हैं कि रिकॉर्डिंग के समय हम लोग का आवाज यहाँ से आ रहा है कि नहीं, इसके लिए यहाँ पर एक इंडिकेटर हम लोग लगा देते हैं, जिससे कि पता चलते रहता है कि नहीं हम लोग का आवाज जो है वह पावर माइक का जो आवाज है पावर एम्पलीफायर से आउटपुट हो रहा है। तो इस प्रकार इसमें हम लोगों ने सिग्नल का रास्ता देखा, अब हम लोग सप्लाई का रास्ता देखते हैं कि सप्लाई कैसे कैसे मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग को एक
ट्रांसफार्मर यहाँ देखें, ये ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई को स्टेप डाउन करता है, पुनः हम लोग डायोड लगा कर करके उसको पीवीसी में कन्वर्ट करते हैं। ये जो लीफ स्विच आप देख रहे हैं, ये लीफ स्विच कैसेट के नीचे लीवर में लगा होता है, जैसे ही हम लोग प्ले बटन को दबाते हैं वो स्विच आपस में कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण मोटर को भी सप्लाई मिलने लगता है, प्री एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर को भी सप्लाई मिलने लगता है। तो यहाँ से लीफ स्विच से जो सप्लाई मिलता है, इसमें एक रेसिस्टेंस के द्वारा हम लोग मोनिटर पर दे दिए। और यहाँ देखिए ये पावर स्विच लगा हुआ है, ये पावर स्विच क्या करता है, ये पावर स्विच काफी इंपॉर्टेंट स्विच होता है, जो कि माइक के साथ लगा होता भी है। माइक में अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई किसी के आवाज को हमको, किसी खास व्यक्ति की आवाज को रिकॉर्ड करना है, तो माइक के स्विच को वहां पर हम लोग ऑफ कर देंगे, जैसे ही वहां ऑफ करेंगे तो मोटर चलना बंद हो जाएगा, और जैसे ही मोटर चलना बंद हो जाएगा रील भी नहीं बढ़ेगा, और जब वहां स्विच हम लोग ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये मोटर भी चलना चालू हो जाएगा और आवाज रिकॉर्ड होने लगेगा। तो जो आवाज हम नहीं रिकॉर्ड करना चाहते वो हम लोग पाउस बटन के द्वारा हम लोग यूज करते हैं। पाउस बटन मैकेनिकली भी होता है, जैसे ही हम लोग पाउस बटन को दबाते हैं क्या होता है कि हेड जो है, हेड का कनेक्शन जो है, हेड पूरा जो सिस्टम होता है हेड का, वो सिस्टम थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण हेड रील से संपर्क में नहीं आता है, रील आगे नहीं बढ़ता है और आवाज हम लोग का रिकॉर्ड नहीं होता है। यहाँ पर इस आईसी को काम करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई एक नंबर पर दिया जाता है और निगेटिव सप्लाई इसके 9 और 10 नंबर पिन पर दिया जाता है आईसी 810 के। यहाँ से कुछ सप्लाई को कम कर करके प्री एम्पलीफायर में दिया जाता है इस 2.2 किलो के रेसिस्टेंस के द्वारा कलेक्टर पर, इस रेसिस्टेंस के द्वारा इसके बेस पर, और निगेटिव इसके निगेटिव पर चला जाता है। ये माइक कंडेंसर माइक जो होता है वो काम हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडेंसर माइक जो है वो तभी काम करता है जब उस पर डीसी सप्लाई दिया जाता है। तो कंडेंसर माइक को चार्ज कराने के लिए इस रेसिस्टेंस ऐसे होता हुआ ये सप्लाई इस कंडेंसर माइक को पहुंच जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा टेप रिकॉर्डर्स के बारे में। टेप रिकॉर्डर्स में बहुत से सर्किट होते हैं, जिसमें से एक सर्किट हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।